हमने जो पीछे ड्रिल्स की हैं और जितने भी इंतजाम करने की ज़रूरत थी, चाहे वो स्नो क्लियरेंस के हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्नो क्लियरेंस मशीन्स का है, एक्टिवेशन ऑफ कंट्रोल रूम्स का है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और श्रीनगर सेंट्रल लेवल पे, या उसको मॉनिटरिंग करने का है टीम्स का है, SDRF की स्नो हाई रिस्क जोन्स हैं जहाँ पे एवलांचेज आने वगैरह का ख़तरा है, उन सब को नोटिफाई किया गया और सारे इंतजाम ऑलरेडी कर दिए गए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह की कहीं पर भी कोई शॉर्टेज नहीं है और हमारे पास सफिशेंट स्टॉक्स आर अवेलेबल टू मीट एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ रोड। लेकिन हमारी अंतक कोशिश यही होगी कि जो रोड्स हैं उनका नेटवर्क जो है वो चालू रहे, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का हो या कहीं जो भी हाईवेज का है या बाकी रोड्स हैं उस। हाँ, लोगों से अपील है कि हम वेदर एडवाइजरीज जो हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन डे टू डे बेसिस देते रहते हैं उनको अच्छी तरह, दे शुड पे हीड टू दोज एडवाइजरीज और अकॉर्डिंगली जिन एरियाज को हम नोटिफाई करते हैं हाई रिस्क जोन या एवलांचेज आने का खतरा होता है, वहाँ बाहर निकलने से पहले एहतियात करनी चाहिए।